पर आंटी आपको बहुत अच्छे से पता है कि जय मुझसे प्यार नहीं करता है, वो आराधना से प्यार करता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुमने हमेशा उसे दोस्त की तरह देखा है। तुम्हें पता है बानी कि मेरा जय बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। अरे उसके जैसा लड़का मिलना मुश्किल है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी लाइफ में आओ। पर अगर तुम भी यही चाहती हो ना तो हमें गेम खेलना पड़ेगा। मैं जय की माँ हूँ, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम उसके लिए अच्छी हो। मैंने तो हमेशा कहा है यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर, तो हाथ मिला लो मुझसे और हेल्प करो मेरी आराधना को मेरे बेटे की लाइफ से निकालने के लिए। कुछ महीने पहले मैंने रियान से भी बात की इस बारे में, लेकिन वो तो चीटर निकला, उसने मुझे ही डबल क्रॉस कर दिया। और देखो क्या हुआ उसके साथ, आज तक उसे आराधना नहीं मिली, उसे अपना प्यार खोना पड़ा। लेकिन तुम नहीं खोगे, राइट? मानती हूँ बेटा कि तुम उसकी दोस्त हो, तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती का रिलेशन है। लेकिन ये तो सुना होगा ना तुमने कि एक लड़का और एक लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। आई नो यार, तो तुम्हें भी है जैसे, क्या तुम भी रियांश की तरह अपना प्यार खो दोगी? आई डोंट थिंक तुम्हें खोना चाहिए। अरे जब प्यार पाने के लिए इतना अच्छा मौका मिला है तो तुम खोना क्यों चाहती हो? एम आई राइट? शांत हो जा रहा थी और रोना बंद कर प्लीज और पानी पी ले। एक बात बता, रियांश को तूने बताया कि मेरी शादी नकली? मैंने ही बताया उसे। ठीक राधी, तेरे दिल में जो भी है ना तू बोल दे, और ये तेरा जो भी दर्द है ना तू खत्म कर इसे यार, और मूव ऑन कर, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर अपने अपने प्यार के साथ। क्या प्यार प्यार लगा रखा है यार, बस यार तू भी खत्म कर ये सब। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तूने रियांश के साथ ऐसा ऑड बिहेव क्यों किया? आई मीन ऐसा क्या कर दिया उसने कि तू इतना चिढ़ गई? ब्रो, हो सकता है कि तूने उसे कुछ पहले बोल दिया हो और इसलिए उससे गुस्सा आ गया। मैंने कुछ नहीं बोला यार, ट्रस्ट मी। मैंने देखा किसी का मैसेज आया, किसी का कॉल, वो एकदम से अलर्ट मूड पे आ गई थी यार, इतना गुस्सा। आई एम श्योर जिया ने कुछ किया होगा, उसी ने बोला होगा आदना हो कुछ। ब्रो तू इतना श्योर कैसे हो सकता है? आई मीन Are you sure जय ने आराधना को कुछ बोला? I mean, तू ही बता, इतना सब कुछ होने के बाद वो क्या ही बोलेगा आराधना को? यार तू भी जानता नहीं उस जय को। मैं जानता हूँ उसे, उस ड्रग केस में इन्वॉल्व हो गया, वो एक चीज उसे गलत रास्ते पे लेके जा रही है और गलती करवा रही है। ब्रो जय ऐसे कर सकता है? बहुत शातिर है वो, आजकल हवा में उड़ रहा है, जानता है कि क्योंकि आजकल उसके घर में बहुत पैसे आ रहे हैं, सब दिख रहा है मुझे। तुझे पता है उस वीडियो में मैंने क्या देखा? प्राइवेट नंबर से मैसेज, ये कौन टेक्स्ट कर रहा है? इसका मतलब मम्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे रियांश का हाथ है। रियांश ने किया पूछे? और बेटा ये सब तो हम जय के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना, मैं माँ हूँ उसकी, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी, है ना? तो क्या सोच रही हो, मिलाओ मुझसे हाथ और दे दो मेरा साथ।
superb. It's a good news. Very good decision. तो मैं अब क्या बुलाऊं तुम्हें? बानी या मेरी प्यारी बहू रानी? अब आएगा मजा जब मिल बैठेंगे एक से भले दो. कम ऑन बेटा, हमें तो बहुत प्लानिंग करनी है उस आराधना को मेरे बेटे की और हम सबकी लाइफ से दूर फेंकना है. तुम क्या हंस रही हो? 7 बज गए, तुमने शॉट दिया? मैम बस मैं देने ही जा रही थी. देने वाली थी मतलब अभी तक नहीं दिया? किसका इंतजार कर रही थी? मेरा कि मैं आऊंगी, तुम्हें इनवाइट करूंगी, आओ आओ बियंका शॉट दे दो. अरे जल्दी करो, आराधना किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है. तुम मिली हो ना उसे सुबह? पता तो चल गया होगा कि वो लड़की बहुत शार्प है. अरे कंप्यूटर से भी ज्यादा दिमाग चलता है उसका. अगर उसे जरा सी भी भनक आई या शक हुआ ना तो हम दोनों तो गए. समझी? मॉम सही कह रही है. ओके मैम, मैं देख करके आती हूँ. और तेरा क्या चल रहा है? मुझे पता है तूने इसको काम में डिस्टर्ब किया होगा. खुद तो कोई कुछ काम करता नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देता. अब बता, आराधना के बारे में कुछ पता चला? मॉम, भाभी के साथ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. मतलब? मैंने ना जागृति और पूजा को बात करते सुना. उन्होंने ना भाभी के फोन पे कुछ वीडियो रिसीव हुआ है. वीडियो? कैसा वीडियो? फोन ही पता मॉम, पर दोनों लड़कियां बहुत टेंशन में लग रही थी. ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो. ओह, मुझे लगता है बॉस ने कुछ बहुत बड़ा प्लान कर लिया है. बॉस? कौन बॉस? सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड. वो सहानीस और लामबाज दोनों से भी ज्यादा शातिर है. और उनका रुतबा, उनका रुतबा इतना बड़ा है कि वो हम सबको हिला सकते हैं. आपका बेटा और आपकी बीवी की जिंदगी का खेल खत्म. उनकी लाइफ का दी एंड. वो सिर्फ बॉस नहीं, सारे गेम प्लान का फुल जोश है. मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड. पता है वरुण, हमारे प्लान्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनके प्लान्स सबसे बड़े होते हैं. उनका एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा मकसद. और अगर उसके बीच में कोई आएगा ना तो अपनी जान से हाथ तो बैठेगा, क्योंकि बॉस आए ही सबको बर्बाद करने के लिए. सबकी बर्बादी का कारण वही है. चाहे जो हो जाए, वही उड़ा देंगे सबके होश. वाओ मॉम, क्या एक्सप्लेन किया आपने बॉस को. आई मीन, या तो आप इनके साथ कोई डील कर रहे हो या तो फिर ये रजनीकांत टाइप्स है. इतना पावरफुल, इतना सस्पिशियस. मुझे लगता है इनके पास हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना? यस राइट, एब्सोल्युटली राइट. इनके पास कोई सलूशन नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम का पूरा सलूशन है. जो काम वो करेंगे ना कोई और नहीं कर सकता. जिस तबाही का हम इंतजार कर रहे थे ना, वो तबाही सिर्फ बॉस लेकर आ सकते हैं. मिसेस कुराना, मेडिसिन का एक बॉक्स नहीं मिल रहा है. क्या? पहले नहीं देख सकती थी? वो तो अच्छा है मैंने अपने बेडरूम में एक बॉक्स रखा है. वरुण, इसे लेकर जाओ और वो बॉक्स दिलवा दो. कम ऑन बेब, आई हेल्प यू. भक्ति जी, भक्ति जी, आप ऐसे सोते हुए पता है कितनी अच्छी लग रही है. आपकी खामोशी, आपकी उदासी, आई लव इट. आपको पता है आपके चेहरे पर ना ऐसी खामोशी बहुत सूट करती है, क्योंकि जब मुंह खोलती है ना तो बस जहर उगलती है. ऐसे एक बात कहूं, आप और आपकी बेटी मतलब इतने भी बुरे इंसान नहीं है. आप लोग अच्छे हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक आप लोगों का मुंह बंद है. एग्जाम्पल अभी का ले लो. देखिए,
आप कैसे शांत होके सोई है, कितनी अच्छी लग रही है। ना कोई चालाकी ना कोई होशियारी। बाय द वे आपको एक बात कहूं, अगर आपकी बेटी ऐसी होती ना कछुआ टाइप्स तो कितना अच्छा होता ना। अपना काम टाइम पे करती, चुपचाप रहती, तो पता है आपको मैं तो उसको अपने सारे डिजाइनर बैग्स दे देती और उसको ना एक ऐसे बहुत अच्छी लवली बहू की तरह रखती और एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ होती। और आपको पता है मैं तो उसको सर पे चढ़ा के रखती, लेकिन नहीं, उसको तो बनना है बिल्ली, है ना। मतलब बिल्ली पहले शांत तो रहती है लेकिन वक्त निकलते ही अपना पंजा निकालती है, अपने नखून निकालती है और शेरनी से भी खतरनाक बन जाती है। आई मस्ट से आराधना की वजह से ना हम सब पे खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए ना, खतरा तो आप भी थी लेकिन मैंने क्या किया, एक चलती फिरती औरत को जिंदा लाश बनाकर रख दिया। वैसे भक्ति जी आपको पता है ना आपके एक्सीडेंट्स मैंने करवाए हैं, मतलब दोनों, ओके। आप भी ना भक्ति जी बिल्कुल बिल्ली की तरह है, मतलब बिल्ली को कितना भी मारो सर पे सवार हो जाती है जिंदा होकर। आप भी देखो, आप भी जिंदा है। मुझे लगता है कि जैसे बिल्ली की 9 जिंदगियां होती है ना, वैसा ही है आपका और आपकी बेटी का। बिल्ली कहेंगी म्याऊ म्याऊ। आपको पता है आपने कभी आपकी बेटी को सुना है बोलते हुए म्याऊ म्याऊ, फिर आप भी म्याऊ म्याऊ, छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली म्याऊ म्याऊ। मुझे तो छोड़ो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.